कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, कुछ लोग के अकाउंटों की टैंकी फुल, कश्मीर में हो गई बत्ती गुल, अनि गटिस चुनेरा फटा चुशुल, कश्मीर में हो गई बत्ती गुल। रैपिंग को छोड़ के एक रेस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है कि बस वो क्रेजीनेस है, अरे अच्छा गाते हैं तो एक वो मुझे लगता है बुजुर्ग जो लोग मतलब रैपिंग से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है वो लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं कि तुम सही बात कह रहे हो, जो कि हमारे सही सही बड़े बड़े लोगों को कहनी चाहिए थी वो तुम कह रहे हो अपने इन गानों के थ्रू। इट वॉज इन 2008 जब पहली बार मुझे इस रैप का शौक हुआ, तब श्रीनगर में एक रैपर करते थे जिनका नाम मीर गजम्फर है, उनको एसिक साहब के नाम से जाना जाता है। उनको सुन के मुझे लगा कि जो रैप जो रहा है ये मेरे लिए वो चीज़ है कि जो मुझ में कहीं है विद इन, तो ये वहाँ से डेवलप हो गया। मैंने अपना जो रैप का करियर लिया है मैंने इसको सिर्फ इसलिए लिया है बिकॉज आई हैव टू टेल द ट्रूथ टू पीपल, क्योंकि रैप एज अ जॉनरा इज ऑल अबाउट स्पीकिंग अबाउट द रियलिटीज दैट आर हैपनिंग इन द स्ट्रीट्स। तो मुझे लगता है जब तक मैं हकीकत बोलूंगा ना तब तक मैं ये रैप करता रहूंगा। रोडी खाल वुचते वापस फेरा पनुन पान अगर वुछो इस ते छुने ये ते ठीक रोडस पेट किस पेट पकुन सुच। आई रियलाइज कि अगर मैं अपने कश्मीरी लोगों की बात कर रहा हूँ आई हैव टू डू इट इन माई मदर टंग, मैं अपने बतीगुल की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर की शादी की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की शादी ऑब्वियसली कश्मीरियों की शादी है, तो कश्मीरी लोगों को उन्हीं की जबान में अपनी ही जबान में समझाना है। तो इट वॉज देन व्हेन आई स्टार्ट, पहले तो मुझे खुद भी लगता था कि कश्मीरी चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बुजुर्ग ने मुझे बोला कि आपका रैप जो है सतवहर पर सतत वहरिस्तान हर एक खतरा ठीक, तो तब मुझे लगा कि नहीं आम दिन हुई जाने भी गई क्या गलत हुआ क्या हुआ सही, कभी बंद करो कभी खोल दो भाई करना क्या ये तो बोल दो। कहीं ना कहीं जो मेरा ये रैप का फील्ड है ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ सही से, बिकॉज मेरे रैप में आप देखोगे को दो चीज़ें अलग है, एक तो मैं कश्मीरी में रैप करता हूँ और दूसरा सटायर को उठा के रैप करता हूँ। सटायर को मैंने एज अ टूल यूज़ किया है क्योंकि अगर आप लोगों को सीधे बताने जाओगे कि देखो कश्मीर की शादी है वो बर्बादी है एवरीबडी नोज इट, लेकिन मैंने क्या किया है मैंने हंसी मजाक के तौर पर उनको समझाया है और बात भी उन तक पहुँचाई है, तो उनको मज़ा भी आता है सुनने में और एक मैसेज भी डिलीवर हो जाता है। हर एक में अपनी अपनी डिफिकल्टीज है, जब मैंने कश्मीर की शादी उठाया था वो मैंने अपनी बहन की शादी को देखकर उठाया, सबसे पहले मुझे अपने ही घर वालों ने बोला कि ये क्या सीन है क्या गा रहे हो, उसके बाद बत्ती गुल बनाया तो कहीं ना कहीं जो अथॉरिटीज में लोग हैं ना जो मेरे इर्द गिर्द हैं वो कहते थे क्या ये पावर वो क्या ऐसी आ गई पावर वाली। इसी तरीके से इंटरनेट उपसितम मैंने बनाया बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंट इंटरनेट स्नैपिंग्स इन वाली, उस पर भी अलग एक सेक्शन था जो इसका था, बट आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि हर एक चीज के लिए दो लोग होते हैं सपोर्टर्स एंड क्रिटिसिज्म करने वाले। 1G 2G कद गिंदक पबजी 3G 4G थोड़ा करो गोरजी होर योर शहर या सुपोर हर जगह कटी इंटरनेट की ये डोर, कोपर या त्रल सुबह या कल इंटरनेटस गोलुक हर जाए ये ते न्याल औशु इंटरनेटस पेटी ये ली सॉन्ग खली नेट मोलिक नेट शटर ते में बीजे बोली। रैप जो है सिंगिंग से इस तरह डिफरेंट है क्योंकि रैप में एक तो एक चीज़ है कि आप बहुत कुछ बहुत कम समय में बोल लेते हो, वो सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे लगती है, और रैप में ऐसा सीन है कि आप फ्री स्टाइल में कुछ भी बोल सकते हो, आप सिंगिंग में कुछ पैरामीटर्स है जहाँ बंधे रहते हो, रैप में भी बेशक अपने पैरामीटर्स है बट ये मुझे लगता है आपको एज अ क्रिएटिव माइंड आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे। काला गोरा छोटा बड़ा कोई पतला हो या मोटा हर किसी का अपना वैल्यू नहीं सिक्का कोई खोटा, पर्दा भेजे से हटाओ और ये बात समझ जाओ जैसा भी हो इंसान उसे वैसे अपने। पेरेंट्स भी बहुत इनसिक्योर थे मेरे फ्यूचर को लेके कि नहीं क्या कर रहे हो तुम तो सही से पढ़े जा रहे हो वो ये, लेकिन मैंने एक चीज़ किया मैंने अपनी पढ़ाई को कभी इस वजह से ख़राब नहीं होने दिया, आई बैलेंस द टू थिंग्स, और जब मेरे मॉम डैड को पता लगा कि ये कश्मीरी में कर रहा है और सही इश्यूज को उठा के कर रहा है तो वो भी दे ऑल स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑन मी। कश्मीर में हो गई बत्ती अपना चुनविन कहते डाउट कश्मीर कर ब्लैक आउट पुस्तक पावर क्या चुन त्रावा और ची नवी हाला बावा लोग बुद्ध ये में कहते बोर्ड ये चुन नासा ओवरलोड तिल गेट ओवर येल गोड ई ट्रांसफॉर्मर सदाबी येल न पावरिस लास्ट क्वीन कोशुर को सा तावन सिन एम खुद दित भी हिट धरना इनको फिर भी कुछ नहीं करना एक सी कैसे तो मंच मतलब टाइम पे जाके फीस। हमें समझना चाहिए कि हमें वो रैप करना है जो सेंसिबल हो और जो एक कंटेंट पहुंचाए, ना कि हम सेंसलेस चीज़ें रैप में लाए और उससे क्या हो जाएगा जो सेंसिबल चीज़ें गा रहे हैं उनको भी लोग शन ऑफ कर देंगे कि नहीं ये रैप एज अ जॉनरा ही खराब है। मुझे लगता है हमें अपने इस जॉनरा को बहुत सही से प्रिजर्व करना चाहिए कीपिंग इन कंसंट्रेशन कि हम किस जगह से आते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।